मैं आखिरी दफा कोर्ट में भी अरशद शरीफ साहब के साथ ही आया था, हाई कोर्ट में या हवाले में। आज उसके बाद मैं आज आया हूँ और वो भी अरशद शरीफ के लिए ही आया हूँ दोबारा। देखिए, अरशद शरीफ साहब के मसले पे साफी जो है वो पहले से ही मुतलिक थे, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया। आप सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस लेता है तो आप कहते हैं कि यार अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है तो हम जरा इंतजार कर लें। फिर कोई एक टीम जो है वो कीनिया भी गई, वो वापस आई, उसने रिपोर्ट जारी कर दी। इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, था उसमें कुछ भी नहीं। अब फिर आप देखें कि कई दफ़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई जी कि अरशद शरीफ का केस लगाएं, तो वो नहीं लगा रहे। तो वहाँ पे मामला और है, हमने यहाँ पे जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त की है, वहाँ पे मामला और है। तो हम अरशद शरीफ साहब के मामले पे पहले भी इकट्ठे थे, हमने पहले भी उनके लिए आवाज़ उठाई, जस्टिस फॉर अरशद शरीफ, आज भी उठा रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि आज आपको बहुत से लोग इकट्ठे नज़र आ गए। ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस कॉज में हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त वो कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत से सरप्राइज मिलेंगे।